आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य क्या है सर? इस तरह से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं दशक से ज़्यादा, तो चुनाव भी नज़दीक है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप सब मेरे बुलावे पर यहां पर मैं आए, और आप सब भी हम में विश्वास रखते हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहां बुलाया है, इसका मूल उद्देश्य आप जिस तरीके से दशक से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जोशरीपुर विधानसभा में जन जन तक पहुंचाया, आज आप बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम मीडिया कर्मी हैं, क्या उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मी, सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं कि आप सब ने मेरी बात पर भरोसा रख करके आप सब इतनी संख्या में यहाँ आए, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आपका विश्वास ये दर्शाता है कि हम निश्चित रूप से जोशरी विधानसभा में जनता के करीब पहुँच चुके हैं, और हम चूँकि जनता के करीब पहुंच चुके हैं तो मुझे जनता का दुख दर्द मालूम है, और भारतीय जनता पार्टी भारत के हर जनता की पार्टी है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों से काम कर रहा हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस हिसाब से यहां मेहनत किया हूं, जिस हिसाब से मैं भाजपा को घर घर पहुँचाने का काम किया हूं, भाजपा का जो विचारधारा है, हमारे माननीय मोदी जी, हमारे देवेंद्र जी का जो काम है, उसको मैं घर घर तक पहुँचाया हूँ। साथ ही मैं भाजपा का सिपाही होने के नाते जोगेश्वरी में क्या बदलाव ला सकता हूँ जो आज तक नहीं हुआ, जो उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकता है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा हो सकता हूँ, ये विश्वास भी मैं जीता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोगेश्वरी विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व हमारे कर्तृत्व पर विश्वास करके मुझे जोगेश्वरी विधानसभा में कमल खिलाने का मौका देंगे, और जोगेश्वरी विधानसभा में मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भाजपा सबसे मजबूत पार्टी है, भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा से जिस हिसाब से यहां की जनता जुड़ी हुई है, तो अपेक्षा की बात होगी तो केवल और केवल लोगों को भाजपा से अपेक्षा है कि वही यहां की समस्या हल कर सकती है, और भाजपा का मतलब जोगेश्वरी विधानसभा में धर्मेंद्र नाथ ठाकुर है, इसका मुझे गर्व है। भाजपा के पहले भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और आज भी हैं, बहुत सारे हमारे से वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के हैं जोशरी विधानसभा में, जिन्होंने मेहनत किया है, काम किया है, लेकिन उनके किए काम को जिस हद तक मैंने आगे पहुंचाया है, वो काम मुझे लगता है कि पिछले 14 साल में मैं ही किया हूं, ऐसा मुझे ही नहीं लगता है यहाँ के जो कार्यकर्ता है, यहाँ की जो जनता जनार्दन है, उनको भी ऐसा लगता है, और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को भी लगता है, और इसी भरोसे के कारण मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे निश्चित रूप से जोशरी विधानसभा में कमल खिलाने का मौका देगी। सर, यहाँ पे जो पार्टियाँ सर्वे करा रही है, आप सब पत्रकार बंधु हैं, मुझे हंसी आती है, ये सर्वे ऐसी चीज होती है कि आजकल सब कैसे क्या होता है, मैनिपुलेट होता है, जब नाम ही ऐसे दो आदमी का डालेंगे जिनकी यहाँ पर में कोई खास पूछ नहीं है, जिनके नाम से यहाँ के लोग रोते हैं, तो फिर सर्वे का क्या महत्व है, और कर्तृत्ववान आदमी जो है यहाँ कोई, उसका नाम ही नहीं डालेंगे तो आपका सर्वे की सच्चाई क्या रह जाती है। तो हमने कोई ऐसा मैनिपुलेशन वाला काम नहीं किया है, किसी से मेरा कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सर्वे में मेरा नाम हो भी और सर्वे में नाम नहीं भी हो, लेकिन मुझे जोगेश्वरी के जनता जनार्दन पर विश्वास है, यहाँ के लोगों पर विश्वास है, हमको भाजपा के कार्यकर्ता पर विश्वास है, भाजपा ही नहीं जितनी भी पार्टियां हैं सबके कार्यकर्ता से मेरा संबंध है, और सबको ऐसा लगता है कि इस बार जोगेश्वरी में धर्मेंद्र नाथ ठाकुर जी लड़ेंगे, और वो अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारी भाजपा बोलती है, हम भाजपा ही बोलते हैं कि राष्ट्र प्रथम, द्वितीय पार्टी और तृतीय हम,
हमारे हिसाब से राष्ट्र का मतलब होता है जनता जनार्दन। यहाँ की जो 140 करोड़ जनता है वही भारत माता है, और जोगेश्वरी में रहने वाले जो जनता जनार्दन है मेरे लिए वही भारत माता है। तो भारत माता की सेवा, भारत माता की अपेक्षा, भारत माता की आकांक्षा, उनका जो मेरे ऊपर भरोसा है, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जनता को आश्वस्त करता हूं कि मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। मुझे मेरी पार्टी टिकट देगी ही, और नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं इतना ही आश्वस्त करता हूं यहां की जनता जनार्दन को, आप प्रेस मित्र को, कि मैं इस बार जोगेश्वरी विधानसभा से यहां के लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगा, यहां की लोगों की लड़ाई अपने हाथ में लूंगा, चुनाव लड़ूंगा, ये तय है, और भाजपा ही मुझे टिकट देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारी जोगेश्वरी की जनता जाग चुकी है। पहली बार कोई ऐसा आदमी आया जो सालों से उनके साथ में सच्चाई से पेश आ रहा है, सच की बात करता है, और उनको सच्चाई मालूम है। तो मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि मैं जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ूंगा। जो बरसों से उनकी समस्या, चाहे वो उनके घर की समस्या हो या गली की समस्या हो या हॉस्पिटल की समस्या हो या पढ़ाई लिखाई की समस्या है, जो बाधित है क्योंकि जनप्रतिनिधि ने अपना जिम्मेदारी अपने ढंग से नहीं निभाया, उसको मैं पूरा करूंगा। इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं जनता जनार्दन को, जोगेश्वरी कर को, कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, और जनता जनार्दन मेरे साथ में है तो मैं उनकी लड़ाई जीतूंगा, और उनके जो सपने हैं घर के बरसों पुराने, वो सपने पूर्ण होगा, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। धर्मेंद्रनाथ ठाकुर जोगेश्वरी की जनता की है, और जोगेश्वरी की जनता धर्मेंद्रनाथ ठाकुर को अपना बेटा, अपना भाई समझती है, अपना दोस्त समझती है, और इस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, यही मैं जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टीला तिकीट मिळाली पाहिजे, आणि दुसरी मागणी आहे की ही तिकीट धर्मेंद्रनाथ ठाकूर यांना मिळावी। गेले अनेक वर्ष होते, 15 वर्षापेक्षा जास्त होते, आता 15 वर्ष बोलत आहेत, तर 15 वर्षावर अधिक काळ देण्याचे काम केलेलं आहे आणि लोकांमध्ये मिसळलेलं आहे। अनेक कार्यक्रमाद्वारे जे लोकांशी थेट संपर्क करत आहे, घरोघरी जाणं येणं आहे, लोकांच्या समस्या ते पूर्वी कोकणनगरमध्ये ऐकून घेत होते, आता हे कार्यालय उघडलेलं आहे, आता इतके कार्यक्रम होतात, वरून जे कार्यक्रम आले भारतीय जनता पार्टीचे ते राबवण्याचं काम धर्मेंद्र ठाकूर यांनी केलेलं आहे। आणि जर थोडक्या शब्दात सांगायचं तर जोगेश्वरी विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीला जिवंत ठेवण्याचं काम हे धर्मेंद्रनाथ ठाकूर यांनी केलेलं आहे। माझं म्हणणं एकच आहे की जोगेश्वरी विधानसभेमध्ये जे BJP घरोघरी गेली आहे ते आमच्या ठाकूर साहेबांनी सुचवली, म्हणजे हजीफुकाचे कार्यक्रम घ्या किंवा छत्री वाटप घ्या। म्हणजे आज पहिला जो पाऊस पडला त्यावेळेला फक्त ठाकूर साहेबांच्याच छत्र्या दिसत होत्या, आणि वरच्यांनी वरिष्ठांनी हा विचार करायला पाहिजे। बस मला एवढंच माहिती आहे की ठाकूर साहेबांचं तिकीट आली तर ठाकूर साहेब 100% दिले। त्यांनी 15 वर्ष काम केलं आहे, पण मी BJP आता मला 8 वर्ष झाली, तर त्यापासून मी बघतोय जे जोगेश्वरीमध्ये जे म्हणजे BJP वरिष्ठ लोक आहेत त्या लोकांपैकी जे ठाकूरनी जे काम केलं आहे जेणेकरून घरोघरी जो पक्ष पोचवला आहे ते बाकी कुठच्या पक्ष कुठच्याच नेत्यांनी पोचवला आहे। नेते आता आम्हाला आमचे भाऊ पाहिजेत। धर्मेंद्रनाथ ठाकूर यांनी आमच्यासाठी खूप काम केलेलं आहे, खूप म्हणजे घरोघरी त्यांना आमची सगळी सुखदुःख त्यांनी हे केलेली आहेत, सगळं काम केलं, हळदी कुंकापासून छत्री वाटप सगळं आमच्या सुखदुःखामध्ये आमच्या मॅडम आणि सर सगळ्यात आम्ही त्यांनीच यायला पाहिजे। आम्ही तर खूप हे करतोय त्यांची वाट बघतोय की एवढी म्हणून नाही आम्हाला तेच पाहिजे, त्यांनी आमच्यासाठी खूप केलेलं आहे। एक दशक से ज्यादा धर्मेंद्रनाथ ठाकुर की जो भी सेवा करते हैं जोगेश्वरपुर विधानसभा की, आप इनकी साथ जो है गंध से गंध मिलाकर महिलाओं का कार्यक्रम होता है छतरी बाटप का हो, यानी जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम आप करती हैं साल में 12 महीने 17 के कार्यक्रम करती हैं, किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्रनाथ ठाकुर जी को चुनाव कर? आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं मुझे उन्होंने साथ में रखा कि काफ़ी ताई बहनों को सुविधा हो आने में, उनको अपनी समस्या बताने में, और मैं ये गारंटी देती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ
कि अगर ये आए आएंगे ही, ये सभी के विश्वास है और मेरा भी विश्वास है कि ये जीत के आएंगे ही। और जो भी समस्याओं का है, जो भी समस्या अभी तक है, जो बहुत दिन से नहीं हुआ है, कितने नेता आए कितने गए, लेकिन ठाकुर साहब में वो बात है कि वो अगर इस बार आए हैं ना तो करके ही रहेंगे।